अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं वली दार खान और आप लोग देख रहे हैं टेक्नोवली यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करने जा रहे हैं यूट्यूब के कस्टम यूआरएल के बारे में। अब यूट्यूब का कस्टम यूआरएल क्या होता है, इसके लिए आप लोग कैसे एलिजिबल होते हैं और अप्लाई कैसे कर सकते हैं, तमाम डिटेल्स आज की वीडियो में हम जानेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले यूट्यूब के यूआरएल के बारे में बात हम करते हैं। जब आप चैनल बनाते हैं यूट्यूब पर, तो आपके चैनल के एक लिंक होता है जो आप लोग अपने दोस्त अहबाब के साथ या रिश्तेदारों के साथ शेयर करते हैं। अब वो लिंक जो है वो यहाँ पर आपको के लिए याद करने में थोड़ा सा मुश्किल होता है। थोड़ा सा यहाँ पर बैकग्राउंड में नॉइज़ को जो है वो बेयर कीजिएगा, थोड़ा सा मुश्किल होता है लिंक आप लोगों को वो जो है वो कॉपी करने में, मतलब आप लोग बोलने में भी, क्योंकि वो कुछ ही होता है youtube.com/ghichmich अजीब सा कुछ होता है। तो YouTube के लिंक को याद रखने के लिए YouTube आपको यहाँ पर एक फ़ीचर प्रोवाइड करता है जिसको YouTube का कस्टम URL कहते हैं। इसमें ये होता है, अगर आप मेरा कस्टम URL होगा तो वो होगा youtube.com/technovali। तो मैं किसी भी अपने फ्रेंड या रिलेटिव को अगर कहूँगा कि मेरा यूट्यूब का चैनल है, तो वो अगर मेरे से पूछेगा यूट्यूब के चैनल को मैं सर्च कैसे करूँ आपके, तो मैं कहूँगा youtube.com/technovali आपने लिख देना है। तो दोस्तों, बात कर लेते हैं कि आप लोगों ने कस्टम यूआरएल के लिए अप्लाई कब करना है, क्या एलिजिबिलिटी है। तो दोस्तों, आपके कम से कम 100 सब्सक्राइबर होने चाहिए और इसके अलावा जो है आपका चैनल कम से कम 30 दिन जो है वो पुराना होना चाहिए। और इसके बाद आपकी चैनल का जो बैनर होता है, चैनल आर्ट जो होता है, बड़ा सा बैनर होता है, जब अबाउट सेक्शन में आप जाते हैं वहाँ पर बैनर अपलोड होना चाहिए आपका, मतलब आप लोगों की जो YouTube की तस्वीर है वो होनी चाहिए यहाँ पर। और YouTube का जो आपका प्रोफाइल पिक्चर होती है, जो आइकन होता है, चाहे वो आपने डिज़ाइन किया हो या आपकी अपनी कोई पिक्चर हो, वो भी उसमें लगी होनी चाहिए। तो ये चार रिक्वायरमेंट जब आप लोग पूरी कर लेते हैं तो आप लोग एलिजिबल हो जाते हैं। तो अब आप लोगों ने अप्लाई कैसे करना है, कंप्यूटर के स्क्रीन के थ्रू 2021 का प्रोसेस मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, ये एक अपडेटेड और नया प्रोसेस है, उसके लिए चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पर। दोस्तों, यूट्यूब के अकाउंट को आप लोगों ने लॉगिन कर लेना है यहाँ पर। और यूट्यूब का अकाउंट जब आप खोलेंगे तो यहाँ पर जो आपका आइकन आता है इस पर आपने क्लिक करना है। उसके बाद आपका योर चैनल के ऑप्शन पर आपने यहाँ पर क्लिक करना है, ठीक है। योर चैनल के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे आपके सामने जो है आपका चैनल खुल जाएगा। चैनल में कस्टमाइज चैनल वाला ऑप्शन है, इसको आपने क्लिक करना है। मैनेज वीडियोस और कस्टमाइज चैनल का ऑप्शन आ रहा है। याद रहेगा, अगर आप लोग इसको मोबाइल फ़ोन से भी करना चाह रहे हैं तो आप लोग डेस्कटॉप व्यू में जो है वो अपने ब्राउज़र को ओपन कीजिएगा और ईजिली आप जो है मोबाइल फ़ोन से भी कर सकते हैं इसको। तो हम कस्टमाइज चैनल पर क्लिक करेंगे, नया टैब खुल जाएगा। यहाँ पर जो है आपके पास तमाम इन्फॉर्मेशन आ जाती है आपकी कस्टमाइजेशन की। याद रहे, 2021 है तो काफ़ी सारी यहाँ पर चेंजेस हुई हैं 2020 की नस्बत। तो जो लोग देख रहे हैं इस वीडियो को वो काफ़ी हेल्पफुल होगी अगर आप 2021 में से देख रहे हैं। आप लोगों ने आना है बेसिक इन्फो पर क्लिक करना है यहाँ पर, ठीक है। बेसिक इन्फो पर क्लिक करेंगे तो आपकी जो डिस्क्रिप्शन वगैरह ये सब चीज़ें आ जाती हैं। नीचे आएंगे, चैनल URL आपके सामने यहाँ पर लिखा आ रहा है, ठीक है। अभी जो कस्टम URL यहाँ पर मेरा अपना चैनल का URL है वो आप देख सकते हैं, youtube.com/channel/ आगे ये घिच मिच हुई है, ठीक है, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर। तो ये जो है वो अच्छा नहीं लगता, आप अगर किसी को रेफ़र करते हैं, किसी को आप शेयर करते हैं लिंक, तो ये लिंक भी अच्छा नहीं लगेगा और आपको ये याद भी नहीं हो सकता, ठीक है। मतलब अजीब सा आगे जो है वर्डिंग होती है, मतलब कैपिटल स्मॉल और नंबरिंग होती है। आप लोग तमाम रिक्वायरमेंट्स पूरी कर लेंगे, यहाँ पर आपको जो है सेट अ कस्टम URL फॉर योर चैनल का ऑप्शन ये देखने को मिल जाएगा। इस पर आप क्लिक करेंगे, आपके पास नीचे ऑप्शंस आ जाएंगी। पहली ऑप्शन ऑटोमेटिक सेलेक्ट होती है, जिसमें आपका जो भी चैनल का नाम होगा, जैसे मेरे चैनल का नाम है टेक्नोवली, तो टेक्नोवली आ गया इसमें, ठीक है। www.youtube.com/c/technovali/c अगर आप नहीं भी लिखते, youtube.com/technovali भी किसी को रेफ़र करेंगे तो वो डायरेक्ट मेरे चैनल पर आ जाएंगे। या तो आप ये कर सकते हैं जो कि डिफ़ॉल्ट आपको सजेस्ट करेगा YouTube जो आपका चैनल का नाम होगा, और अगर आप लोगों ने अंदर कुछ और ऐड करना है तो आप लोग इस वाले ऑप्शन को क्लिक करके आगे भी कुछ ऐड कर सकते हैं, ठीक है। वो ऐड करेंगे आप सामने, तो अगर वो अवेलेबल होगा, जैसे टेक्नोवली ऑफिशियल अगर मैं लिखता हूँ तो यहाँ पर ये अवेलेबल है, ग्रीन टिक आ गया, तो मैं ये भी यहाँ पर क्लेम कर सकता हूँ, ठीक है। तो मैं इसको क्लेम नहीं करूँगा, मैं यहाँ पर जो टेक्नोवली का ही है, क्योंकि ये सिंपल है, इसको मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा, जो कि मुझे YouTube ने भी सजेस्ट किया था। अब यहाँ पर राइट कॉर्नर पर आप देख सकते हैं पब्लिश, मतलब सेव का ऑप्शन होता है ये, ठीक है। अपडेटेड वर्जन है तो यहाँ पर पब्लिश है, पब्लिश पर मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पर कन्फर्म कस्टम URL यहाँ पर आपसे कन्फर्मेशन मांगेगा और नीचे जो है आपका ये तमाम डिटेल्स आपकी आ जाएंगी, ठीक है। आप कस्टम URL youtube.com/technovali मैं कन्फर्म कर दूँगा, ऊपर लोडिंग होगी और ये देख लीजिए चेंजेस जो है वो पब्लिश हो गई हैं, ठीक है।
तो दोस्तों कुछ इस तरीके से आप लोग जो है अपना कस्टम यूआरएल क्लेम कर सकती हैं, अगर आपकी जो है वो तमाम रिक्वायरमेंट्स पहले फुलफिल करती हैं, जो कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्ट में बताया था। दोस्तों ये थी आज की वीडियो, आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आएगा तो उसको लाइक जरूर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट किसी अच्छी वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिएगा, अल्लाह हाफिज़।